मैंने अपने लिए कीरो कीरो कॉमिक खरीद ली है। अब मैं इस कॉमिक बुक को आराम से घर जाके पढ़ूंगा। हाँ? अरे क्या बात है, देखो ये तो नई कैरो कैरो कॉमिक है, इसे मुझे दे दो प्लीज। मैं नहीं दे सकता, मैंने इस बुक को अभी तक नहीं पढ़ा है जियान। ये क्या कहा तुमने? तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम मुझे मना कर रहे हो नोबिता? रुक जाओ नोबिता, तुम नहीं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं दूंगा, मैं अपनी कॉमिक कभी नहीं दूंगा। मुझे बचाओ, कोई बचाओ, जियान मुझे मारने वाला है। ये जियान भला नोबिता के पीछे क्यों पड़ा है? हे सुनियो, क्या तुमने नोबिता को कहीं देखा है? क्या कहा नोबिता? अगर तुम नोबिता को ढूंढ रहे हो तो वो वहाँ छुपा है। देखो जियान, ये रहा नोबिता। अच्छा तो तुम यहाँ हो, क्यों नोबिता? पता है कल बहुत मजा आया। हाँ, मैंने सुना तुमने बहुत अच्छा गेम खेला। हाँ? कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे जियान से बचाओ, प्लीज मेरी मदद करो। तुमने कॉमिक ले ली जियान? तुम्हारा शुक्रिया नोबिता, हमने कॉमिक ले ली। अरे नोबिता क्या बात है बताओ? डोरेमोन सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। मुझे जरा कहीं जाना है, मेरी मदद चाहिए तो मेरा इंतजार करना। ओके जियान और जुगनू मेरे दोस्त नहीं है, वो मुझे हमेशा मारते हैं। ये दोनों भी मेरे दोस्त नहीं है और अब तुम भी मेरे दोस्त नहीं है डोरेमोन। इस पूरी दुनिया में मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। ये दुनिया कितनी बेदर्द है, मैं किसके पास जाके मदद मांगूं? ठीक है चुप हो जाओ, मैं समझ गया नोबिता कि तुम्हें सिर्फ एक अच्छे दोस्त की जरूरत है। हाँ शायद मेरे पास कुछ है, मैं अभी देखता हूँ। सपोर्ट रिंग, इसे उंगली में पहनकर मुट्ठी बनाकर स्क्वीज करो। क्या इस तरह? अब ध्यान से सुनो, जिस पर भी तुम ये लाइट डालोगे वो 10 मिनट के लिए तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ नोबिता। डोरेमोन, क्या इसकी मदद से मुझे मेरी कॉमिक बुक वापस मिल सकती है? चलो एक बार ट्राई करके देखता हूँ। नोबिता, हाँ? मुझे बताओगे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम बाहर खेलने अभी नहीं जाओगे समझे? तुम्हारे टीचर हमारे घर पर किसी भी वक्त आ सकते हैं। क्या? नोबिता तुम स्कूल में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते हो, इसीलिए वो तुम्हें डांटने यहाँ पर आ रहे हैं। मॉम पर सुनिए। मैं गैस का बिल लाया हूँ। देखिए मैडम, अपने बच्चे को जरा समझाइए। देखिए बात यह है कि बच्चों को घर पर नहीं खेलना चाहिए, खासकर तब जब मैं किसी काम से आपसे मिलने आया हूँ मैडम। ये आप क्या कह रहे हैं? नोबिता को घर पर नहीं रहना चाहिए, उसे बाहर दोस्तों के साथ खेलना चाहिए मैडम। इस सबसे आपको क्या मतलब भाई साहब? आप ये सवाल मुझसे पूछ कैसे सकती हैं? आखिर नोबिता मेरा फ्रेंड है। आप इसके फ्रेंड हैं? देखिए आप बस अपने काम से काम रखिए। मैं अपने काम से काम नहीं रखूंगा, मैं नोबिता का सच्चा फ्रेंड हूँ और मैं अपनी फ्रेंडशिप का फर्ज निभा के ही रहूँगा, आप चाहे जो कहें। आप इसी वक्त यहाँ से बाहर जाइए। इसने काम कर दिया, ये रिंग तो सचमुच कमाल की है। अरे वाह, क्या कमाल की टाइमिंग है, मैं तो तुम्हारे ही घर पर आ रहा था। वो आज मुझे बहुत ज्यादा काम है, अगर आप कल परसों किसी और दिन आएंगे तो अच्छा रहेगा ना सर? आप मेरे कहने का मतलब तो समझ गए ना, अब आप अपने घर जाइए। चुप रहो, तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं। अगर बहाने ना बनाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते तो बात कुछ और होती। उस दिन के तुम्हारे रिजल्ट की वजह से तुम्हारी मम्मी बहुत परेशान थी, लेकिन तुम्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है। तुम हो के अपनी दुनिया में खोए रहते हो। क्या तुम अपने माता पिता का नाम मिट्टी में मिलाना चाहते हो? तुम्हें उनकी इज्जत का जरा सा भी ख्याल नहीं है? नोबिता अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो वरना चुल्लू भर पानी में डूब मरो। आसपास है क्या? सुनो पुतले की तरह क्यों खड़े हो? तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? मैं तुमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम हो कि मेरी किसी बात का जवाब ही नहीं दे रहे हो। चलो बेटा जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, इस आदमी को मैं संभाल लूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। अरे आपकी मुझसे क्या दुश्मनी है? आप मुझ पर पानी क्यों डाल रही हैं? तुम चुप रहोगे, मैं तुम्हें उस बच्चे को तंग नहीं करने दूंगी। देखिए आपको कोई गलत फहमी हो गई है, मैं नोबिता का टीचर हूँ, उसकी भलाई के लिए काम कर रहा हूँ। चुप करो। भाग गया। देखिए आप मेरी बात क्यों नहीं मानती है मैडम? मैं आपकी इस बात को बिल्कुल नहीं मानूंगी। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगी तो अच्छा नहीं होगा। अरे मैडम गैस का बिल तो पे कर दीजिए प्लीज। कहो? किसी भी वक्त कोई भी मेरा फ्रेंड बन जाता है, इस दुनिया में कोई भी मेरा दुश्मन नहीं है। वाह मजा आ गया। जब तक मेरे पास ये अंगूठी है मुझे किसी की परवाह नहीं है, जियान की भी नहीं। ला 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 ला। ये अरे मैंने कुछ नहीं किया।
अरे बचाओ, कोई तो बचाओ, कोई तो मेरे दोस्त बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ कोई, मेरे दोस्त बचाओ कोई भी। बेटा वो तो घर पर नहीं है, पर क्या जियान ने फिर से कुछ कर दिया? ओ नहीं आंटी, कुछ भी नहीं। मैं तो इस लड़के से दुखी हो गई हूँ, ये तो हमेशा दुकान छोड़कर भाग जाता है। आज जब जियान घर आएगा तो मैं उसे अच्छी तरह से बताऊंगी। जियान की मम्मी पर तो मुझे रिंग इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं वापस आ गया। अरे नोबिता यहाँ नहीं है, उम्मीद है तुम किसी मुसीबत में नहीं हो नोबिता। सुनियो सुनो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जियान कहाँ है? लेकिन मुझे मेरी कॉमिक बुक चाहिए। तो मैं क्या करूँ नोबिता? अच्छा लगता है तुम्हारा कुछ करना पड़ेगा। मेरे फ्रेंड्स मेरी मदद करो, आओ जल्दी मेरी मदद करो। पर मुझे तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं दिख रहे हैं। पीछे मुड़ के देखो। जरा इसे बता दो कि मैं नोबिता की फ्रेंड हूँ। मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी ये फ्रेंड कितनी ताकतवर है। अगर मैं ऐसा ना करूं तो तुम्हें सजा मिलेगी। ये क्या? देखो लड़के, चुपचाप से उसे उसकी किताब लौटा दो। ठीक है। देखो वो डर के भाग गया। लो नोबिता, दरअसल तुम्हारी ये कॉमिक बुक मेरे पास थी। अरे वाह, मुझे मेरी बुक वापस मिल गई है। अब तो तुम खुश हो ना? हाँ। ये तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है। थैंक यू, तुम्हारा शुक्रिया प्यारी बच्ची। अब मैं ये बात जियान को बताऊंगा, वो ही इसे ठीक करेगा। क्या कहो? मुझसे पूछे बिना तुमने उसे वो बुक वापस क्यों की? दरअसल जियान पुलिस वाले उसके दोस्त थे। बात ये है कि वो एक रोशनी जैसे ही किसी पर डालता है तो वो इंसान उसका दोस्त बन जाता है। उसने डोरेमोन से जरूर कोई ना कोई गैजेट लिया होगा। आइडिया, जियान जरा मेरी बात तो सुनो। ये कितनी मजेदार है, ये बुक बहुत ही अच्छी है। रुको, मेरी बुक मुझे वापस करो। नोबिता, अगर तुम्हें ये वापस चाहिए तो हमारे साथ चलो। आ जाओ नोबिता। मैंने कहा रुक जाओ। रुक जाओ जियान, रुको। आओ नोबिता, हमें पकड़ के दिखाओ, जल्दी आओ। तुम बहुत बड़े बुद्धू हो नोबिता, तुम हमें नहीं पकड़ सकते। जाओ और घर में आराम करो नोबिता। रुको, मुझे मेरी किताब। हम रुक गए, अब तुम हमारे साथ क्या करने वाले हो? देखो मैं अपने फ्रेंड्स को बुलाऊंगा। तुम यहाँ कोई फ्रेंड नहीं बना पाओगे, समझ गए ना नोबिता? अब क्या करूं? ये लो। मुझे क्यों बहुत होशियार समझते थे ना अपने आप को? कुछ होने वाले हैं, समझ में आया तुम्हें? जिया नोबिता को मत सताओ, वो मेरा दोस्त है समझे? और मैं भी तुम्हें उसे सताने नहीं दूंगा, सुनियो। पर तुम तो उसे तंग कर रहे थे जियान। तुम नोबिता को बहुत सता रहे थे समझे सुनियो, पर मैं नोबिता का सच्चा दोस्त हूँ। नोबिता का सच्चा दोस्त मैं हूँ। सुनियो तुम्हारी ये बता, ये लो, ये लो, तुम इसी लाये थे, तुमने मेरे दोस्त को तंग कैसे किया? ये लो, ये लो, ये लो जियान। अब 10 मिनट तक तुम दोनों इसी तरह लड़ते रहना। नोबिता, देखो ये गलत है। तुम्हारा शुक्रिया डोरेमोन, ये रिंग कमाल की है, अब इसकी मदद से मैं पढ़ भी सकता हूँ। मैं अब बहुत पढ़ना चाहता हूँ। मैं घर आ गया। नोबिता, डोरेमोन मुझे सपोर्ट रिंग की जरूरत है।
मदद की सख्त जरूरत है। तुम बहुत शरारती होते जा रहे हो नोबिता। डोरेमोन! नोबिता! वैसे सुनियो मुझे अपनी किताबें देता तो नहीं है, लेकिन ये किताब तो बहुत ही डरावनी है। सचमुच डरावनी है पर बहुत मजेदार भी। जियान वो इधर ही आ रहा है, बताओ वो कितना जंप करेगा? मेरे अंदाजे से 5 सेंटीमीटर। नहीं, मेरे ख्याल से तो वो 10 सेंटीमीटर जंप जरूर करेगा। वो आदमी सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था, तभी उसके सामने एक मॉन्स्टर आ गया जिसकी एक ही आंख थी। इसने तो 30 सेंटीमीटर से भी ज्यादा जंप किया है। अरे ये क्या? हम सबको बताएंगे कि इसने कूदते हुए अपनी पैंट गीली कर ली है। नोबिता ने पैंट गीली कर ली है। नोबिता ने पैंट गीली कर ली है। तुमने पैंट गीली करी है, ये बात हम सबको बताएंगे। डोरेमोन! डोरेमोन! हाँ नोबिता, तुम बिल्कुल सही वक्त पर घर आए हो। वो मेरी था, मेरी पैंट गीली रहेगी, मेरी रहेगी। तुम ये क्या कह रहे हो नोबिता, जरा मेरा पर्स ढूंढ दो। आपने अपनी इतनी कीमती चीज कहाँ छोड़ दी? मैं नहीं जानती, इसीलिए तो मैं उसे ढूंढ रही हूँ। वो हो कहाँ सकता है, अब मैं क्या करूँ? अभी तो सैलरी मिलने में भी इतने दिन बाकी हैं, और उस पर्स में मैंने अपने सारे पैसे रखे हुए थे। क्या सारे पैसे रखे थे? सुनो डोरेमोन, क्या बात है नोबिता? क्या तुम्हें पता है अगले 20 दिनों तक हमें भूखे और प्यासे रहना पड़ेगा? क्या, पर क्यों? मॉम ने अपना पर्स खो दिया जिसके अंदर उन्होंने अपने सारे पैसे रखे थे। हाँ, तुम देख के जाओ। मेमोरी डिस्क। बताओ जरा ये क्या है? थोड़ा इंतजार करो। वो यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। मॉम, पर्स मिल गया? अगर मुझे मेरा पर्स मिल गया होता तो मैं उसे इस तरह ढूंढ नहीं रही होती। चलो तुम दोनों आकर मेरी पर्स ढूंढने में मदद करो। ठीक है। अब देखो कमाल, तुमने किया क्या? मैंने मॉम की कल से सारी मेमोरी इसमें रिकॉर्ड कर ली है। क्या मेमोरी? मेरे साथ आओ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर सारा सामान फैला क्यों हुआ है? मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? ये बताओ तुम क्या करने वाले हो? प्लेयर। ओह, ये तो एक डिस्क प्लेयर है। तुमने सही कहा, ये एक डिस्क प्लेयर है। मैं इसे पिछले 3 घंटे पर सेट करूंगा। देखिए मॉम क्या कर रही है, वो तो बस मैगजीन पढ़ रही है। चलो अब देखते हैं कि 2 घंटे पहले क्या हुआ था। लगता है कोई दरवाजे पर है। ये तो बिल वाला है। देखो डोरेमोन, उनके हाथ में उनका पर्स है। बिल देने के बाद भी उनके पास उनका पर्स है। लगता है फिर से कोई दरवाजे पर है। इमेज थोड़ी धुंधली हो गई है। सोची समझी चीज ना करने पर मेमोरी थोड़ी सी धुंधली हो जाती है। देखो मैं तुम्हारे कहने का मतलब कुछ समझा नहीं। दूसरे शब्दों में ऐसा तब होता है नोबिता, जब हम कोई काम ध्यान लगाकर नहीं करते। अब क्या तुम्हें कुछ समझ आया? अगर मैं इसे फोकस करने की कोशिश करूँ तो काम हो गया। देखो उन्होंने अपना पर्स जमीन पे फेंक दिया। वो मेहमान का स्वागत कर रही हैं। समझ गया, पर्स कुशन के नीचे दबा हुआ है। चलो अब हम उन्हें उनकी मेमोरी वापस करें। ओ मिल गया। मेरी मॉम भी कितनी भुलक्कड़ है। मैं इस तरह दिन में सपने नहीं देख सकती, मुझे तो पर्स ढूंढना है। ये लीजिए मॉम, आपका पर्स मिल गया। तुमने मेरा पर्स ढूंढ लिया नोबिता। तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो, शुक्रिया नोबिता। ये मॉम की भूलने की बीमारी भी बड़ी अजीब है। तुमने सही कहा। क्या हुआ? मैं भूल गया, मेरी पैंट गीली है। ये कितनी शर्मनाक बात है। देखो ऐसा मत कहो, मैंने ये काम जानबूझ के नहीं किया था। जब मैं डरावनी कहानी पढ़ रहा था तब उन्होंने मुझे और डरा दिया। अगर उन दोनों ने ये बात फैला दी तो पूरा शहर, मेरा मतलब पूरा देश ही बात जान जाएगा। कोई भी मेरी इज्जत नहीं करेगा और शिजुका तो मुझसे बात भी नहीं करेगी। अच्छा ठीक है, परेशान मत होना, हम लोग डिस्क का इस्तेमाल करेंगे। मैं नोबिता के बारे में एक मजेदार बात बताता हूँ। उसे पोल खोलने से रोको। एक मिनट, उसने तो अपनी पैंट गीली कर दी। हम बिल्कुल सही वक्त पर पहुंचे डोरेमोन। अब देखो अब
अब मैं वो लाइन ढूंढने वाला हूँ जहाँ पर तुमने अपनी पैंट गीली कर दी थी नोबिता। मैं नोबिता के बारे में एक मजेदार बात बताता हूँ, उसने अपनी पैंट गीली कर दी। ये रही। अब तुम क्या करोगे? मैं इस स्पॉट को मिटाने वाला हूँ इस इरेजिंग मार्कर से। ऐसा करो डोरेमोन, जियान की एक घंटे पहले की मेमोरी मिटा दो। वही तो करूँगा, जियान और बाकी दो को उनकी मेमोरी मिलेगी वापस। नोबिता आप देखो क्या होता है। अरे जियान, क्या तुम हमें एक हंसाने वाला किस्सा नहीं सुना रहे थे? मुझे तो नहीं लगता। हम चलते हैं। पर मैं कर क्या रहा था? मजा आया? बहुत मजा आया, वो सब भूल गया। ओ, हम उन्हें को रोका होगा। उसे जल्दी ढूंढते हैं। चलो। शिजुका सुनो। क्या बात है सुनियो? मेरे पास तुम्हें बताने के लिए एक मजेदार बात है शिजुका। देखो वो रहा सुनियो। तुम्हें बताऊंगा तो तुम अपनी हंसी को कंट्रोल कर पाओगे शिजुका, ये बात तो पक्की है। क्या कहा सुनियो? बहुत मजेदार था। मैं क्या कह रहा था? अपना काम जल्दी करो डोरेमोन। ठहरो, मैं इसकी मेमोरी में फिर बदल कर देता हूँ, उसके बिना हमें मजा कैसे आएगा। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? लो खुद ही देख लो। ये डिस्क भेजूंगा सुनियो के पास। मुझे कुछ याद आ रहा है। मुझसे कुछ छुपाओ मत, बता दो ना। याद आया, दरअसल जब हमने नोबिता को डराया था ना शिजुका, तो क्या हुआ? मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा काम किया है शिजुका। दरअसल मैंने अपनी पैंट गीली कर दी थी। क्या तुमने ये किया सुनियो? तुम एक बच्चे जैसे हो प्यारे प्यारे। ये मैंने क्या कह दिया? क्यों नोबिता, मजा आया है ना? हाँ बिल्कुल डोरेमोन, तुम्हारा शुक्रिया। डोरेमोन तुमसे एक बात पूछूं, बुरा मत मानना, क्या मैं ये डिस्क थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल करूं? देखो ना मत कहना। अच्छा तुम इसे कहाँ यूज करोगे? वो आज ढेर सारा होमवर्क मिला है तो मैंने सोचा अगर टीचर थोड़ा सा होमवर्क भूल जाए तो। मैं जानता था कि तुम ऐसा ही कुछ करने वाले हो, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। चलो भी मान भी।